अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। देवास की जनता क्यों फिर चुने श्रीमंत गायत्री राजे पवार को? श्रीमंत राजे का जवाब, मेरे द्वारा करवाए गए सर्वांगीण विकास कार्यों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने देवास विधायक श्रीमंत गायत्री राजे पवार पर एक बार फिर विश्वास जताया है। पहली बार श्रीमंत तुकोजीराव पवार के निधन से खाली हुई देवास विधानसभा की सीट पर उपचुनाव के दौरान श्रीमंत गायत्री राजे पवार को टिकट दिया गया। इस चुनाव में श्रीमंत ने पहली बार सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में कदम बढ़ाते हुए 2.5 वर्ष के कार्यकाल में विकास कार्यों के झंडे गाड़े और इतने कम समय में वे आम जन के बीच चिरपरिचित व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आई। दूसरी बार फिर उन्हें भाजपा ने टिकट दिया और ऐतिहासिक रूप से जीत दर्ज कर देवास विधानसभा का नेतृत्व किया। इस 5 वर्षीय कार्यकाल के दौरान श्रीमंत राजे ने अपनी आधुनिक सोच से काम करते हुए देवास को आधुनिक देवास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने मूलभूत सुविधाओं के लिए जितना काम किया उतना ही ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, प्रशासनिक सुविधाओं पर दिया। यही कारण है कि देवास को ओवर ब्रिज, चौड़ी सड़कें, प्रशासनिक भवन, सिंचाई के लिए जल आदि योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैटरनिटी हॉस्पिटल देवास में महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो सिंचाई परियोजना से किसानों की आर्थिक उन्नति के रास्ते खुलेंगे। इन 7-8 वर्षों के राजनीतिक जीवन में श्रीमंत राजे ने देवास शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र की एक एक कॉलोनी, मोहल्लों, घरों तक पहुंच बनाने का प्रयास किया। पूरे 5 वर्षों में उन्होंने हर छोटे बड़े आयोजनों में शामिल होकर व्यक्तिगत रूप से लोगों के बीच पहुंचने का काम किया। इसलिए श्रीमंत राजे पर तीसरी पर भाजपा ने विश्वास जताया और उन्हें पुनः टिकट दिया है। अब मतदान 17 नवंबर को होना है और इन 40-45 दिनों में वे आम जनता के बीच व्यक्तिगत रूप से पहुंचने का प्रयास करेंगी। उनका कहना है कि देवास उनके लिए नया नहीं है, यह स्वर्गीय श्रीमंत तुकोजीराव पवार का देवास है, इसलिए पूरा विधानसभा क्षेत्र ही उनका परिवार है। यदि वे व्यक्तिगत रूप से परिवार के सदस्यों के बीच नहीं पहुंच पाई तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भी परिवार का सदस्य है। इस पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से श्रीमंत राजे जनता के बीच पहुंचेंगी और ये परिवार के सदस्य श्रीमंत राजे के लिए वोट मांगेंगे। श्रीमंत राजे का कहना है कि देवास की जनता ने उन्हें चुनकर नेतृत्व करने का मौका दिया था और जिस विश्वास से उन्हें यह मौका दिया गया उस विश्वास पर वे खरा उतरी है। इसी आधार पर वे जनता के बीच पहुंचकर अपने पक्ष में मतदान की अपील करेंगी। मैं फिर से दोहराऊंगी, मैं संगठन के शीर्ष नेतृत्व का, माननीय शिवराज सिंह जी का, माननीय वीडी शर्मा जी का और सभी जो हमारे शीर्ष नेता हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। और देवास की जनता को आश्वस्त करना चाहूँगी कि जिस सेवा भाव को लेकर हम आगे बढ़े हैं, ये परिवार मेरा इतने सालों से, उसी को बरकरार रखते हुए बेहतर से बेहतर काम करके हम देवास की जनता को की सेवा करेंगे।